हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले कैसे आप लोग अपने आईफोन में रैम क्लियर कर सकते हो। बहुत ही इजीली तरीका है अपने आईफोन में रैम क्लियर करने। जैसे आप लोग एंड्रॉइड में क्या करते हैं, जो आपको बैकग्राउंड में जैसे बहुत सारे ऐप आपको मिल जाते हैं, इसको आप सिंपल स्वाइप अप कर देते हो तो रैम क्लियर हो जाता है। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता। मतलब आईफोन में अगर आप लोग स्वाइप अप करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जैसे बैकग्राउंड में कुछ ऐप खोल लेता हूँ, अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे देख रहे हो, अमेजन फ्लिपकार्ट यूट्यूब फेसबुक चल रहा है। तो अभी इसको जल्दी से क्लियर करते हैं, रैम कैसे क्लियर करते हैं आईफोन में। तो टच आईडी, जिनके पास टच आईडी वाला फ़ोन है उनका अलग है, और जिनके पास फेस आईडी वाला आईफोन है उनका अलग है। मतलब स्टेप सेम है लेकिन बस थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूँ। तो टच आईडी वाले और फेस आईडी वाले को बता देता हूँ कैसे करना है रैम क्लियर। तो सबसे पहले फेस आईडी वाले का बता देता हूँ, फिर उसके बाद टच आईडी का भी हो जाएगा। तो फेस आईडी वाले अपने सेटिंग खोलेंगे। सेटिंग खोलने के बाद सिंपली आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, उधर जाने के बाद टच में जाना है, उधर असिस्टिव टच को इनेबल कर देना है। सिंपली इनेबल करने के बाद ये वर्चुअल टच आ जाएगा आपकी स्क्रीन में। फिर आपको सिंपली करना है अपने आईफोन के वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन एंड पावर ऑफ को होल्ड करके रखना है। तो ये आ जाएगा स्क्रीन। उसके बाद आपको सिंपली ये जो फ्लोटिंग स्क्रीन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद इस होम बटन को होल्ड करके रखना है। और जो टच आईडी वाले आईफोन है उनका भी सेम ही है, अप बटन, डाउन बटन और पावर बटन को होल्ड करके रखना है, होम बटन को होल्ड करके रखना है। तो दोनों का होम बटन को होल्ड करने के बाद ये सिंपली ऐसा आ जाएगा, पासवर्ड मांगेगा। आपको पासवर्ड देना, इसमें फेस आईडी या फिर टच आईडी काम नहीं करेगा। सिंपली आप अपना पासवर्ड दोगे तो आपका रैम क्लियर हो गया है आईफोन का। तो आप लोग कोई भी बैकग्राउंड में जितने भी ऐप है उनको आप ओपन करके देखोगे, ये कम्प्लीटली शुरू से स्टार्ट होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखो जैसे मैं फ्लिपकार्ट खोल के दिखाता हूँ, तो फ्लिपकार्ट रिफ्रेश हुआ है, मतलब सारा रैम क्लियर हो चुका है। और अमेजोन खोल के देखते हो तो अमेजोन भी रिफ्रेश होगा, मतलब ये पूरा रिफ्रेश होकर दोबारा न्यू से स्टार्ट होगा, मतलब सारा रैम क्लियर हो चुका है। तो अभी मैं YouTube खोल के दिखाता हूँ, ये देखो ये भी रिफ्रेश हुआ। जैसे Facebook खोल के दिखाता हूँ, ये भी रिफ्रेश हुआ, मतलब आपका सारा रैम क्लियर हो चुका है। तो ऐसे करके आप इजीली अपने आईफोन में रैम क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आईफोन इतना स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिकली आपका रैम क्लियर कर देता है। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको बार बार यूज करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस कैसे रैम क्लियर करना होता है वो बता दिया मैंने, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।